अगली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश जो है वो यहाँ पर जारी किए हैं, और जो पूरी यात्रा का जो मार्ग यहाँ पर रहने वाला है उसको लेकर जो कांवड़ ले जा रहे लोग होंगे उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए। और देखिए इसी को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के एक निर्देश को लेकर ओवैसी भड़क गए हैं, और उन्होंने इसकी तुलना दुकानदारों के नाम डिस्प्ले करने के आदेश की अफ्रीकी रंगभेद और हिटलर के फैसलों से कर दी है। क्या है मुजफ्फरनगर पुलिस का ये निर्देश, आप भी देखिए। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन भी शिवालयों से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग में सुरक्षा को लेकर सुविधा के इंतजामों में जुटा है, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद भी गर्मा गया है। विवाद की वजह बना है मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन का वो फरमान जिसमें यात्रा मार्ग में पड़ने वाले होटल ढाबों पर प्रॉपराइटर या फिर वहां काम करने वाले के नाम को लिखने का निर्देश दिया गया है। यहां तक कि ठेले पर भी दुकानदारों को अपनी पहचान जाहिर करने को कहा गया है, ताकि कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो जो विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सके। कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल ढाबे ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपने खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन का ये आदेश अब धरातल पर भी दिखाई देने लगा है, लेकिन इस आदेश पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे। सोशल मीडिया पोस्ट में ओवैसी ने मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देना शुरू कर दिया। हिटलर युग से तुलना करते हुए ओवैसी ने अपने पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जोडेन बॉयकॉट था। बुधवार शाम होते होते ओवैसी ने नफरती एजेंडे का ये दांव चला, और इसके ठीक चंद घंटे बाद कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुला ली और अधिकारियों को कांवड़ यात्रा में खास इंतजाम करने का निर्देश दे दिया, जिसके मुताबिक कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया जाएगा। कांवड़ यात्रा मार्ग की मरम्मत का बचा हुआ काम अगले 72 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। ड्रोन से यात्रा मार्ग की निगरानी होगी। कांवड़ शिविर लगाने वालों पर सत्यापन किया जाएगा। कांवड़ यात्रा में साफ सफाई के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। इसके साथ ही तय मानकों के साथ डीजे बजाया जाएगा। डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक नहीं होगी। और हम लोगों ने इस बात को इंसिस्ट किया कि जो कांवड़ के दौरान डीजे चलते हैं उनकी एक हाइट सभी लोगों के साथ, उनकी जो ऊंचाई है उसको एक निर्धारित किया जाए, डीजे की आवाज़ को भी सीमित किया जाए, जिससे धार्मिक चीज़ों से किसी को असुविधा न हो तथा जो भी श्रद्धालु हैं उनको उनकी भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे। अधिकारियों को योगी सरकार का ये फरमान इसलिए है ताकि शिव भक्तों और आम लोगों को कोई असुविधा न हो, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर किए जा रहे सरकारी इंतजामों पर मुस्लिम लीग भड़क गई और उसने यूपी की योगी सरकार पर एक हिंदू संगठन की तरह काम करने का आरोप लगा दिया। सरकार पूरी तरह से एक हिंदू संगठन की तरह काम कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, बहुत सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ कि सरकार इस वक्त बिल्कुल एक हिंदू संगठन की तरह काम कर रही है कि वो कांवड़ यात्रा यात्रियों को सहूलतें जरूरत से ज्यादा देने के लिए दूसरों को परेशान करने पर आमादा हो रही है और उससे 10 गुना लोगों को ज्यादा वो परेशान कर रही है। पूरा क्या मेन रोड बंद कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है, किसी भी तरह उचित नहीं है कि जहां करोड़ों लोग परेशान होते हों, कांवड़ वालों को एक कॉरिडोर बनाकर दिया जा सकता है। सीएम योगी को पत्र लिखकर मुस्लिम लीग ने यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए एक कॉरिडोर बनाने की मांग तक कर दी, तो साथ ही साथ कांवड़ यात्रा मार्ग में मीट की दुकानों को बंद रखे जाने के मामले पर भी सवाल उठा दिए।